रिवर्स आज कराची आर्ट काउंसिल में इस्माइल तारा एक्टर थे जो उनका तर्जीती प्रोग्राम रखा गया था और पाकिस्तान कराची आर्ट काउंसिल अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया कि वो मरने के बाद भी लोगों को सराहते हैं। ज़िंदगी में लोग लोगों को नहीं सराहते लेकिन मरने के बाद भी लोगों को याद रखते हैं। तो इस्माइल तारा हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, फिल्म स्टेज और टीवी के बहुत मशहूर एक्टर थे। इनकी पीटीवी की सीरियल 50-50 कोई नहीं भूल सकता है। बहुत खूबसूरत थे ये, तो इनका दर्जाती प्रोग्राम है आर्ट जेबापा के साथ इतना ढेरों काम है और ये तो हम सब ही देखते आए हैं। तो मैं चाहूँगा आप तशरीफ़ लाएँ, ज़ेबा शहनाज़ साहिबा तशरीफ़ लाएँ, अपना इजहार ख्याल करें तारा भाई के हवाले से। आ जाए ना आप, आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आज इस्माइल तारा साहब हम में नहीं हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दिल में तारा साहब के लिए बहुत एहतराम है, बहुत इज्जत है। मेरे पास इतने लफ्ज़ हैं कि वो लफ्ज़ इधर उधर गड़मड़ हो जाते हैं जब मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, कह नहीं पाती। शायद मैं बहुत नाअहल हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि आज जब मैं उनके बारे में कुछ कहने के लिए खड़ी होती हूँ तो 40 साल के बाद, और वो भी जब मौका मिलता है जब वो हमें मौजूद नहीं है। दुख यही है कि आज अगर वो होते, वो सुनते कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ काम करने वाले उनको कितना चाहते थे। इस्माइल तारा साहब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये जो फ़नकार होता है इसका फ़न इसका अपना नहीं होता, वो आवाम की अमानत होता है। क्योंकि फ़नकार को तो अल्लाह ताला ने एक मनसब दे दिया, एक काम करना है। अब जो फ़न है वो आवाम के लिए है और उसको ईमानदारी से अदा करना होता है। इस ईमानदारी से अदा करने में इस्माइल तारा जो थे वो शहज़ादे नहीं, बादशाह थे। आपको मैं समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, हमारे पुराने एक्टर जैसे सुल्तान राही साहब थे, बहार मैडम थी, जब वो फिल्म के स्क्रीन पे काम करते थे तो इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि झूठ को सच बना देते थे। जब सुल्तान राही साहब बहार मैडम को अम्मा कहते थे, माँ, तो लोग तड़प जाते थे कि वाकई हम भी अपनी माँ को ऐसे ही माँ बोलते हैं। और इसी तरह जब बहार बाजी आवाज़ देती थी, ओए मौलिया, तो कलेजे फटने लगते थे कि माँ अपने बेटे को कैसे पुकार रही है। ये थी वो वापसी, ये अंदर की मोहब्बत, प्यार और वो अमानत जो आवाम को एक्टर देता है, वो झूठ को सच करार दे देता है। और इस्माइल तारा साहब ऐसे ही सच्चे फनकार थे। बाहर बहुत अरसे तक आते जाते रहे, अमेरिका, लंदन, कनाडा, और एक दूसरे के दुख भी जानते थे, एक दूसरे की फैमिलियों के मसले भी जानते थे और एक दूसरे की पजीराई भी करते थे। इस्माइल तारा साहब का ताल्लुक मेमन फैमिली से था। इस्माइल तारा साहब का नाम इस्माइल मर्चेंट, एक कारोबारी और बिजनेस मैन फैमिली, बहुत भरपूर फैमिली। मैं इनकी बहनों को भी जानती हूँ, मैं उनके भांजों को भी जानती हूँ, मैं उनकी सारी फैमिली के साथ मिली हूँ, सबको जानती हूँ, सबसे मेरा प्यार और मोहब्बत है। उनके वालिद साहब नहीं चाहते थे कि वो काम करें, एक्टिंग करें। वो बहुत खफा हुए जब उनकी वालदा ने बोला कि तुम्हारा बेटा जो है इसको तो एक्टिंग का शौक है। उन्होंने ले जाके उनको गंजा कर दिया। वो समझे, इतने मासूम आदमी थे, हाजी साहब समझे गंजा कर दिया, अब ये काम नहीं करेंगे। इस्माइल तारा साहब सबसे पूछते रहे ये औरतें बाल कैसे लंबे करती हैं। उनको वो तेल चाहिए था जो जल्दी सर पे लगा के अपने बाल आ जाएं। अब वो ढूंढते रहे, उन्होंने वो तेल ढूंढा और लगाया और सर पे रुमाल बांध के एक्टिंग करते रहे। आ गए बाल एक डेढ़ महीने के बाद। एक दिन जब उनके बाल आए और वहीद मुराद जैसी लट बन गई उनकी, तो वो जाके एक बहुत बड़ा शो करने के लिए चले गए। जब वो शो करके लौटे तो जिस तरह वो लौटे थे, माँ को पता चल गया आज ये फिर फंक्शन करके आए हैं। अम्मा ने जाके आजी साहब से कहा, नहीं बाबा, ये छोकरा समझेगा नहीं, ये बेगरत फिर रात को जाके कहीं नाचा है। हाजी साहब ने कहा, अच्छा ऐसी बात थी, चलो फिर ऐसा करते हैं, आज फिर इसको मैं टिंड करवा देता हूँ।
ये रात ईद की रात थी। ईद की रात को हाजी साहब ने फिर दोबारा इस्माइल तारा साहब को गंजा करवा दिया। अब इस्माइल तारा साहब से सुबह पूछा गया कि तुम किस बात पे रो रहे हो, माँ ने नाश्ता नहीं कर रहे थे, रो रहे थे। माँ ने कहा कि भाई आप किस बात पे रो रहे हो, तो इस्माइल तारा साहब बताते हैं मैंने अपनी माँ से कहा मैं इस बात पे नहीं रो रहा कि मेरी एक्टिंग रुक जाएगी, वो तो मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे खून में एक्टिंग शामिल है। मैं इस बात पे रो रहा हूँ ईद का दिन है, आज तो मैं पैदा हुआ था, मेरी सालगिरह, मेरे बाप ने मेरी टिंड करवा दी। ये ऐसे वाक़यात हैं जो बिल्कुल सच हैं। वो हमें अपनी ज़िंदगी की इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते थे। मज़बूत आदमी थे, उन्होंने गरीबी को, अमीरी को, दुख को, सुख को बर्दाश्त भी किया था और बहुत करीब से देखा था। हमने उसके मुँह उनके मुँह पे कभी भी दुख नहीं देखा। वो दूसरों को हौसला देते थे। अगर कोई मेरे जैसा नया, मैं नए आर्टिस्ट थे 50-50 में बिल्कुल, मैं कहती थी मैं ये पैरोडी नहीं कर सकती शुएब साहब, मैंने नहीं करना, किसी और से करवाएं, तो तारा साहब हौसला देते थे कि नहीं आप कर सकते हो, आप टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, आप करोगे। वो गेटअप तय करते थे, मेकअप तय करते थे, हौसला देते थे, स्क्रिप्ट पढ़ के बताते थे और कहते आपने करना, आप ही ने करना और कोई नहीं करेगा। कभी रीना रॉय बना देते थे, कभी मलका तरन्नुम नूरजहां बना, साफ जो है वो लोगों में उतारा, लोगों को यकीन दिलाया कि हम उमर शरीफ ज़ेवा शहनाज नहीं हैं, जो किरदार कर रहे हैं वो हैं। हमने मियां बीवी के इतने रोल किए कि मेरे कानों में आवाज़ आई, लोग कहने लगे उमर शरीफ और ज़ेवा शहनाज ने शादी कर ली। हम दोनों हंसते थे, उसकी एक अच्छी लाइफ, उसकी प्यारी सी बीवी, मेरे भाई बहन। लेकिन एक बात होती है सपोर्टिंग, फैमिली की सपोर्टिंग। अब आप आगे आएँ, टेलीविज़न 50-50, 107 गेटअप सिर्फ मेरे हैं और इस्माइल तारा साहब के बेनतहा गेटअप, एक प्रोग्राम। अब हम उस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, कभी हम मेमन बन रहे हैं, कभी हम सिंधी बन रहे हैं, कभी पंजाबी बन रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मियाँ बीवी यूँ 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 यूँ। लोग ये समझने लगे कि अरे यार ये तो सच्चे ही मियाँ बीवी हैं, मशहूर हो गया, अखबारों में आ गया ज़ेवा शहनाज इस्माइल तारा ने शादी की। और हम इस बात पे खुश कि हमने अपने फ़न की उस ऊंचाई पे जाके काम किया है जहां हमने झूठ को सच बना दिया, रियलिटी। और एक्टर वही सच्चा होता है कि जब वो काम करे तो लोग ये सोचें कि हाँ यार ये जो कर रहा है ये बिल्कुल सच है। और यही कामयाबी की अलामत होता है और यही उरूज पे ले जाता है और यही 50-50 बनाता है, यही बकरा किस्तों पे बनाता है और यही मुंडा बिगड़ा जाए और हाथी मेरे साथी जैसे शाहकार बनाता है और यही इकबाल लतीफ साहब बैठे हैं घर रामा बनाता है। क्योंकि घर रामा के ज़माने ही से ये बात मशहूर हुई थी, क्योंकि हमने मियाँ बीवी का किरदार किया था और वो जो टेलीविज़न का रोल था हमारा वो इतना रियल था कि अगर वो मुझसे कहते इस्माइल तारा साहब के तुम्हारे बाप ने मेरे को धोखा दिया है, मेरे को इतनी बड़ी सुजुकी दिखाई जेस की और फिर पता नहीं वो गाड़ी कहाँ चली गई और तेरे को मेरे को दे दिया, तू शादी की रात ही आई थी, तेरी आंख पत्थर की थी, वो अंदर बेसन में गिर गई और मेरे को तो लड़की ही मुकम्मल नहीं मिली, तो मैं कहती थी खामोश हो जा बदतमीज़ आदमी, मेरे बाप के बारे में बोल रहे हो, आँखें नीचे करो। वो आँखें नीचे करते थे तो लोग समझते थे कि ये तो वाकई सचमुच के मियाँ बीवी हैं, क्योंकि उनके घरों में उनके साथ यही होता था, बीवियाँ यही कर रही होती थी। तो ये एक्टिंग जो है उसमें डूब के काम करना, मैं अपने नए एक्टर साथियों को कहूँगी कि अपने काम को डूब के कीजिए, यकीन दिला दीजिए कि आप जो हैं, अगर आप भंगी बने तो भंगी बन जाए। इस्माइल तारा भंगी बनता तो भंगी लगता था, ज़ेवा शहनाज भंगट बनती थी तो लगती थी। ये है फ़न की मेराज। नीलूफर अब्बासी हैं जो तकरीर करेंगी, तो आप सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ज़ेवा शहनाज ने इस्माइल तारा की ज़ात के हवाले से उनकी शख्सियत के बारे में, उनके काम के बारे में बड़ी सैर हासिल गुफ्तगु की। उसके बाद शाह साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की कारकर्दगी के बारे में, उसके जो आने वाले मंसूबे हैं उनके बारे में, जो कुछ काम अब तक हुआ उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया और लोगों के ज़हनों में जो सवाल थे उनके जवाब भी दिए और बहुत अच्छी तरह से एक तस्वीर कशी की आने वाली आर्ट्स काउंसिल की और जो काम अब तक हुआ। तो मेरे कहने के लिए बहुत कुछ तो नहीं है,
मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, प्लीज़ आप लोग अगर बात सुने तो ज़्यादा बेहतर है। जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसका गम उसके ख़ानदान को होता है, उसके दोस्तों को होता है, और जो उसके करीबी लोग हैं उनको होता है। लेकिन बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनकी मौत एक आलम की मौत होती है। जैसे मोइन अख्तर गए, अपने उमर शरीफ गए या और आर्टिस्ट गए, तो आप ये देखें कि उनके जनाजे में जो आलम था मोहब्बत करने वालों का, जो उनके लिए आए, उनके लिए दुआएं मगफरत की, वो बड़े बड़े लोगों के जनाजों में आप नहीं देखते। इसका मतलब क्या है कि लोग, इंसान उन इंसानों से प्यार करते हैं जो वाकई प्यारे होते हैं। आर्टिस्ट जो हैं, राइटर हैं, फनकार हैं, पेंटर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, वो बनता नहीं है, वो पैदा होता है। सातकैन पैदा होते हैं, न्यूटन पैदा होते हैं, आर्टिस्ट पैदा होते हैं। इसी तरह इस्माइल तारा पैदा हुए। ये उनकी खुशनसीबी होती है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज आज का ये जो इजलास है, ताज़ियती जलसा, ये भी इस बात का गवाह है। और कराची जैसा शहर, आप सब कराची के हैं, अहले कराची हैं, जानते हैं कि कितना मुश्किल है ट्रैफिक रात। और ये सफदर ने जो कहा कि न्यू कराची में, नॉर्थ कराची में छोड़ने, तो मैं और उमर शरीफ साहब हम कस्टम गाड़ी में उनको घर छोड़ के आते थे हैदर भाई के, जब हैदर भाई के साथ रहते थे। बहरहाल ये सारी बातें रह जाती है, लेकिन पहुँचेगा उनको वही जो पल पढ़ के बख्शेंगे हम। मेरी दरख्वास्त है कि एक सूरह फातिहा, तीन सूरह इखलास पढ़ के इनको बख्शा करें, मैं भी बख्शता हूँ। और अल्लाह ताला तारा भाई की मगफरत पर मगफरत करे और उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनके घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाएँ। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। ये थे यूनुस सेक्शन आर्ट्स काउंसिल और हम सब के बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है एजाज़ फ़ारूक़ी साहब, तशरीफ़ लाएँगे एजाज़ फ़ारूक़ी साहब। और आप तमाम लोग नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। आज जिस शख्सियत के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और कहां तक अपना मुकाम बनाया। इनके औलाद मौजूद हैं, इनके बड़े भाई मौजूद हैं, और जिस अंदाज़ से आप सब लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, यही हकीकत है कि जो शख्स लोगों को हंसने हंसाने अपने एक्टिंग की बुनियाद पर और जो कुछ उन्होंने सिखाया लोगों को सीनियर होने के हैसियत से, आर्ट्स काउंसिल की हमारी ज़िम्मेदारी थी। अहमद शाह साहब ने तो हमेशा आर्टिस्टों की जो कदर की है, खसूस तौर पर जब कोविड का ज़माना था। अपनी आर्टिस्ट तो हम उतर के सीढ़ी से चले गए कि हम कहाँ लिख के देंगे ताराबाई को डायलॉग। आपकी सेहत सही? सब पूछ रहे, मैंने कहा मैं भी पूछ, अल्लाह सा सलामत रखे। तो हम आ गए हॉल पे अपने हाशी ऑडिटोरियम में, ये आए गुस्से में, तो मुझे ये जाडा कहते थे, जाडा का मतलब है मोटा, या जाडिया या बोले तुम लोग भाग क्यों गए? हमने कहा यार पता नहीं, आप पैसे मांग लो खाने के। तो हम लोगों से पहले इनकी एंट्री थी, तो जो राजा की पंचलाइनें थी अनिफ राजा की, जो मेरी पंचलाइनें थी ना, तारा भाई ने उस एंट्री में जाके बोल दी, सारी बोल दी। हम लोग ये थे, मैंने कहा ये क्या यार आपने हमारी बोल दी? बोले तुमको बोला था मेरी एंट्री बनानी है, तुम लोगों ने बनाई नहीं, लियाकत थोड़ी बना के देगा मेरे को। तो मैंने कहा चले आप कल आएंगे हम लोग और कल एंट्री बनाएंगे। बोले नहीं, मेरे घर पर गोश्त ख़त्म हो गया अभी बकरा ईद का। तो तारा भाई बहुत अजीम थे, जैसा कि नुमान ने कहा कि ज़मीन का तारा आसमान पे, तो वो जब भी देखेंगे इतने सारे तारे आसमान पे, इसमें कोई ना कोई हमारा इस्माइल तारा होगा इंशाअल्लाह। आप बाकी और बाकी हो शहजाद भाई, तो कम से कम इतना होना चाहिए हम आर्टिस्टों को कि हमेशा कबूल करें। और मेरा हाँ जी,
जनवरी में जेबा आपा के लिए तकरीब रखी है आर्ट्स काउंसिल ने, आप सब बस ये टाइम आपसे ले लिया जाएगा और आपको ये आनर दिया जाएगा। शहदाद भाई जानते हैं कि मैं किस कदर इज्जत करता हूँ उस्तादों की, मेरे तो बहुत सारे उस्तादों को पता ही उस वक्त चलता है कि जब मैं उनके पांव छूता हूँ और बताता हूँ कि आप मेरी वो परवान। नज़र हुसैन मेरे बाकायदा उस्ताद है जिनको देख के मैंने संजीदा एक्टिंग की, तो उस्तादों की कदर भी करना चाहिए। और यकीनन तारा भाई बहुत प्यार करने वाले आदमी थे और बहुत लीजेंड फनकार थे, 50-50 और फिर जनाब वाली सेंचुरी मुकम्मल की है, मेरी दुआएं। मानता कोई नहीं है, नज़र भाई भी जानते हैं, मैं ही मानता हूँ। तो क्योंकि संजीदा कॉमेडियन तो संजीदा एक्टिंग करता नहीं है, मैं करता हूँ, तो इसलिए मैं तो इसको भी उस्ताद मानता हूँ, बहुत उस्ताद है। बेहद शुक्रिया। और इस्माइल तारा साहब के दोनों साहबजादे जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं शायन भाई से कहूँगा गुफ्तगू जो भी करना चाहें। फरहान भाई करम साहब तशरीफ आए, और वो भाई ने बहुत वालहाना कहा था कि उन्हें ज़रूर बात करनी, आई रो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं डैश में जो खड़ा हूँ मैं तारा भाई की वजह से ही खड़ा हूँ, और दूसरी मेरी जिसको मैं माँ कहने का हक रखता हूँ वो है जेबा साहब, इनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया है मेरे फैमिली प्रोग्राम के अंदर, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं टीम कभी जा पाऊँगा। तारा भाई ने ही मुझे वहाँ पे मुझे पीटीवी पर लेकर गए, और मैंने पहला सिलसिला पीटीवी के गेट पे मैंने पहली बार किया था जब मैंने नाम पढ़ा पीटीवी, और उनके बाद से इन्होंने मुझे कोऑपरेट इतना किया तारा भाई ने और ख़ासतौर जेबा साहबा ने, और कसम खुदा की हद से ज़्यादा मुझे इन्होंने कोऑपरेट किया तारा भाई के साथ मिलकर, तो मुझे आगे बढ़ा दे के खाली सीन मतलब साइलेंट में बोले नहीं खड़ा रहे तू वहाँ पे, ये भेज लिया यहाँ भेज दिया, ड्रेसिंग करवाना सब कुछ करना, लेकिन मैं उनको सुरुट करता हूँ कि मेरे मौसिन जो है तारा भाई आज भी ज़िंदा है मेरे दिल में और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, इनकी मैं दुआ करता हूँ। मैं थैंक यू। हर आर्टिस्ट को इतना ही काम करने की तौफीक दे, और जिस तरह से वो गए हैं, मेरा आखिरी ड्रामा था वो भी मैं जिक्र कर दूँ उनके साथ। शहजाद भाई का मुझे फ़ोन आया कि यार एक प्रोड्यूसर है टीवी का ड्रामा, पीटीवी का ड्रामा था, शहजाद भाई ने बोला बासुन तू चला जा ड्रामा वो कर दे उनका एक एपिसोड कर दे। मैंने कहा शहजाद भाई आपका हुक्म हुआ, पैसे बता। मैंने कहा नहीं वो छोड़ दे, आपने बोल दिया ख़त्म, वो जो देंगे मैं रख लूँगा, नहीं देंगे मैं ऐसे ही आ जाऊँगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो तारा भाई के सामने मेरे तो मज़े आ गए। मैंने उस ड्रामे में इतना सताया तारा भाई को, वो जो बोले ना मैं हर बात का जवाब दूँ, बोले हर बात का जवाब दूँगा तो हर जगह दो वो बोले कोई बात को चुप भी हो जाता आदमी। मैंने कहा देखें आप पूरा सीरियल कर रहे हैं, मैं एक एपिसोड के लिए आया हूँ, मैं नहीं चुप रहूँगा, बहुत कुत्ता है, बहुत कुत्ता है। तो उनसे उनको छेड़ने का मज़ा ही आता है, जेबा ने देखा हुआ है जितना मैंने छेड़ा होगा किसी ने छेड़ा तारा भाई को, इस्तांबुल से लेकर श्रीलंका ऐसे ही है ना यार। छोड़े वो उस ज़माने के आर्टिस्ट है जब आर्टिस्ट होते नहीं थे तो उनको आप माफ़ कर देते हैं। तो तारा भाई के लिए जब भी आपके हाथ उठे दुआ के लिए, आप अपने लिए दुआ करें तो एक अलम दुआ तीन कुल पढ़ के बख्श दिया करें तारा भाई को, कि आपको उन्होंने 58 साल हंसाया है और 58 साल तक एंटरटेन किया है, तो उनका हम पे कर्ज है। हम उनके लिए दुआ गो हों कि अल्लाह ताला भाभी को सब्र जमील दे, उनके बच्चों को सब्र दे, और जितना पढ़ सकते हैं आप मुझे नंबर दीजिएगा ज़रा सा, मैं आपको कुछ भेजूँगा उनके लिए, ठीक है, नंबर दीजिएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच तारा भाई, आई लव यू। बच्चों के ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें, म्यूजिशियन जो बुज़ुर्ग जिंदा हैं जो इंतकाल कर गए, महीने के पैसे जाते हैं, ऐलान नहीं करता। कोविड में तुमने बात की इंजेक्शन की, खाली इंजेक्शन नहीं था, सबको चेक मिले थे, सबको 6 महीने राशन मिला था। जी यहीं बैठे बेशुमार मैं, और लेकिन एक हुक्म था, हुक्म ये था एक तस्वीर नहीं बनेगी, ये शकील बताएगा, एक एक आर्टिस्ट ऐसा नहीं है, एक एक कवाल नहीं है, एक एक म्यूजिक सब बताएंगे यहाँ से वहाँ तक तुम्हें। और यहाँ आके खुद बैठता था कोविड में, जब जान के खौफ में, बुखारी मेरे साथ होता था और उस वक्त खौफ जान का भी था, और तुम तो राशन बांटती हो, शहजाद भाई ने नहीं लिया और बहुत से लोगों ने नहीं लिया, लेकिन
बेच और उन आर्टिस्टों का, उन म्यूजिशियंस का, बल्कि अली जफर के म्यूजिशियन और टीना सानी के म्यूजिशियन, उन्होंने नहीं दिया उन्हें राशन और पैसे, आर्ट्स काउंसिल ने दिया, वो मेंबर नहीं थे, लेकिन वजीर खान साहब जैसे लोग थे मेंबर बना दिया। अली जफर लाहौर से फ़ोन कर रहा था, कहने का मतलब ये है एक तस्वीर नहीं बनवाई, ऑपरेशन कराए लोगों के, दिल के ऑपरेशन भी कराए, आज भी नहीं बताना चाहता, सब दोस्तों को मना किया, टीवी को करीब नहीं आने दिया कि किसी से दरख्वास्त नहीं लेंगे, किसी का फोटो नहीं बनेगा, वरना ये होता है कि चार बोरियां रखी, फोटो बुलाए चार, ये आसिफ बैठा हुआ है, इसने कहा ये फोटो बना रहा था, भाई आसिफ किधर है, अभी यहाँ बैठा, तो मैंने कहा नहीं भैया, और कई चैनल मेरे पास आए, मैंने कहा देखो ये अल्लाह का और मेरा मामला है, और यहाँ एक बात सुनो, सबको देता है अल्लाह, लेकिन वो किसी को ड्यूटी पे मुकर्रर करता है, और वो ड्यूटी पे अगर आप दयानतदार नहीं हैं, ज़्यादा दिन रह नहीं सकते आप, तो मैं तो उसके मुंतखब लोगों में से हूँ कि जिसने मुझे ये मुंतखब किया कि मैं उसके मखलूक की खिदमत करूँ, उसके बंदों की, तो मेरे लिए तो ये इतना बड़ी ब्लेसिंग है। और फिर मतलब यतीमों का, गरीबों का, आर्टिस्टों, दूसरी बात जो तुम कर रही हो, वो अभी कुमरानी साहब गवादर से आए 13, 14, 15 जनवरी को पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है गवादर में, म्यूज़िक हो रहा है, थिएटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बुक फेयर हो रहा है, कश्तियाँ हो रही, भैया फरवरी की 10, 11, 12 को लाहौर में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे मुजफ्फराबाद में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे इस्लामाबाद में हो रहा है, उससे अगले वीकेंड पे पेशावर में हो रहा है, 3-3 दिन, और ईद के बाद गिलगित जा रहे, और जून जुलाई में थी लेकिन ऊपर नहीं थी, नीचे बैठी थी। हाँ तुम आई थी, मैं गवर्नर को लेके तुम्हारे पास आया था, हाँ इमरान मेरा छोटा भाई, हाँ सुनो मेरी बात सुनो ना, तुम हो भी सुननी और मैं भी, तो हम सुनते सुनाते हैं। सबसे पहले तो इस्माइल हमारा भाई था, आप लोगों ने बहुत काम किया आपने, और शहजाद भाई ने, बेरोज भाई भी अभी शूट छोड़ के आए थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, जिन्होंने रऊफ ने उनके साथ काम किया, सब ने शानदार आदमी थे। अच्छा सुनो ना, लेकिन एक एजाज़ मुझे हासिल है, पिछले साल इस्माइल तारा का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कराया आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, और मैंने कराया क्योंकि मैं मरकजी कमेटी इस्लामाबाद का मेंबर, और इकबाल भाई का भी हुआ इस साल, और भी जितनों के हुए हैं ना, नहीं नहीं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस विद 10 लाख रुपए वाला, आप अल्लाह ना करे आप जल्दी मर जाएं, आपकी ज़िंदगी में मिलेगा वो बहुत कुछ है आप में। और दूसरी बात, मैं तो ये खुशी हो रही थी कि 10, 12, 14 साल पहले एक खौफनाक लड़ाई बहन भाई में हुई थी, जिसमें लड़ी ये थी, मैं नहीं लड़ा था इससे, और आज जब मैं वहाँ से आ रहा था और इसको पता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, तो जो इसने तकरीर की, मुझे मोइन अख्तर याद आ गया, मोइन अख्तर के जलसे में कौन कौन था, ताजीदी जलसे में आप भी थे, आप भी थे, नौमान था, मैं नहीं बल्कि लियाकत जो सोल्जर का जलसा था, मोइन भाई तकरीर करने आए थे, और यहाँ थोड़े से लोग थे, और मैं ना अभी उनकी तकरीर चल रही थी, मैं सबसे पीछे चुप करके बैठ गया, और मोइन भाई ने मुझे देखा नहीं, और मोइन भाई ताज़ा आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन में से हार के गए थे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूरी ये तकरीर की जो अभी तुम कर रही हो कि अल्लाह ताला, और वो रिकॉर्डेड हमारे पास अभी मौजूद है, कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को ख़ुद मुंतखब करता है, और बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मेरे पास ना इतना वक्त था ना, और अहमद शाह को अल्लाह, ये मोइन अख्तर ने, यानी और मैं उतने बड़े ज़र्फ का आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में, और वो एक अननोन आदमी के बारे में, मैं तो एक उसका इतना सा फैन जैसे सारी दुनिया थी, और तो 4 मिनट तकरीर की, और सब ये, और कुरानी आयात, आपको पता है बहुत सारे आखिरी सालों में वो दीन की तरफ चले गए, अभी तुम्हारी तकरीर सुन रहा था, अल्लाह करे तुम सलामत रहो। अगर ये तकरीर और वो लड़ाई के बीच में जो अरसा है, मैंने कोशिश यही की है कि कोई मेरा साथी,
पूरा ग्रुप आ रहा है। ओके हाँ अच्छा 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 ये सब लोग जो है ना आए हैं इस्माइल तारा की ताजदी तकलीफ में, तो मैं इनकी भी वीडियो बना रहा हूँ, तो व्यूअर्स आप देखेंगे, व्यूअर्स आप देख सके, काफ़ी लोग आए हुए हैं। इस बहाने सब लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। तो ये है सलीम, सलीम आफरीदी है, ठीक है, सलीम आफरीदी भाई भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलीम अफरीदी भाई, ज़रा आप कैसे हैं, आप ठीक हैं? इस्माइल तारा साहब के बारे में एक दो अल्फाज बोल दे ज़रा, भले शॉर्ट कट। इस्माइल तारा और सलाउद्दीन तूफ़ानी दो ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको 10-12 साल की उम्र में मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस करते देखा, और अल्लाह उन दोनों की बख्शिश फरमाए। तारा भाई का जो मुकाम था और 50-50 के बाद और फिर फिल्म इंडस्ट्री में जितना बड़ा काम किया, तो यकीनन वो आइडियल थे और लीजेंड फनकार थे, और उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर ज़िंदगी बसर फरमाई, कभी किसी ने कुछ नहीं मांगा, और आर्ट्स काउंसिल ने भी, और यकीनन हुकूमत का भी शुक्रिया और आर्ट्स काउंसिल का भी शुक्रिया कि उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के हवाले से आर्ट्स काउंसिल ने उनको जो नुमाइंदगी की, तो बहुत शुक्रिया। इस्माइल तारा के ताज़ियती प्रोग्राम कराची आर्ट काउंसिल में काफ़ी सारे फनकारों ने शिरकत की, और हर किसी को बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे आर्टिस्ट चले गए। पर्सनली मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इतने अच्छे आर्टिस्ट चले गए। इनके साथ शहनाज़ ज़ेबा शहनाज़ इनके साथ होती थी ज़ेबा शहनाज़, तो ज़ेबा शहनाज़ भी आई थी और उन्होंने भी बहुत इनकी याद में काफ़ी बातें बताएं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फनकार थे, रऊफ लाला थे, शकील सिद्दीकी थे, और इसके अलावा भी बैरू सब्जवारी आए थे, तो काफ़ी सारे सीनियर फनकार आए थे जिन्होंने बड़े दुख का इजहार किया। सबको बहुत दुख हुआ कि उमर शरीफ, मोइन अख्तर, उनके बाद इस्माइल तारा भी हमें छोड़ के चले गए। तो व्यूअर्स मुझे भी बहुत दुख हुआ है, इनके लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।